तो सिंपली गाइज अभी देख सकते हैं मेरा यहाँ पे 55,000 रुपये का लोन अप्रूव हुआ है, उसके बाद यहाँ पे 24 महीने का EMI डेट है और एक कंटिन्यू क्लिक करने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस खास एपिसोड में। आज मैं आप लोगों को HDFC बैंक का पर्सनल लोन का पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, किस ढंग से आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्या करना है, सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का प्रोसीजर आप लोग यहाँ पे आसानी से समझ जाएंगे। तो सिंपली गाइज मैं अभी अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे आप लोगों को मैं एक लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक पे आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में एक यहाँ पे जो है वेबसाइट आपका यहाँ पे रिडायरेक्ट होके ओपन होगा। तो आप लोग अगर चाहे तो आप लोग मैनुअली भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सप्रेस HDFC बैंक पर्सनल लोन लिख के आप लोग यहाँ पे गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। तो आप लोगों का ये वर्क इजी करने के लिए मैंने यहाँ पे एक लिंक ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके आसानी से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो सिंपली गाइज अभी देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है ये URL ओपन हो चुका है। यहाँ पे आने के बाद आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपके बैंक के साथ लिंक है आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है जो आप लोगों का बैंक के साथ अटैच होगा उसको आपको प्रोवाइड यहाँ पे कर देना है। तो मैं यहाँ पे दोनों डिटेल्स मैं यहाँ पे फिलअप कर चुका हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे दोनों यहाँ पे टिक लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे ये एग्री आपको करना पड़ेगा एप्लीकेशन, तभी आपका यहाँ पे कंटिन्यू हो पाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे तैयार हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है एप्लीकेशन को। तो सिंपली गाइज अभी देख सकते हैं मेरा यहाँ पे 55,000 रुपये का लोन अप्रूव हुआ है, उसके बाद यहाँ पे 24 महीने का EMI डेट है और एक कंटिन्यू क्लिक करने के बाद मेरा ये अमाउंट जो है मेरे बैंक अकाउंट में आसानी से रिसीव हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे क्या है, सारा कुछ आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो गाइज अभी मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये एक पर्सनल लोन है जो कि HDFC बैंक की तरफ से प्री अप्रूव ऑफर में मुझे प्रोवाइड किया गया है। अगर मैं इस लोन को हायर लिमिट के साथ लेना चाहूँगा तो मेरा यहाँ पे 55,000 रुपये मैं यहाँ पे ले सकता हूँ और मिनिमम 5,000 रुपये यहाँ पे है और मैक्सिमम 55,000 रुपये। उसके बाद इंटरेस्ट रेट की बात करूँ गाइज तो यहाँ पे देख सकते हैं 1.83 मेरा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगेगा। उसके बाद EMI डेट वगैरह आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी ये जनवरी का महीना चल रहा है, 27 है, 27 जनवरी, और मेरा EMI जो अगर आज मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरा यहाँ पे 7 मार्च से मेरा यहाँ पे EMI डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद पूरे 24 महीने का समय भी मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे सारा कुछ आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि अगर आपके पास HDFC बैंक का अकाउंट है तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इस ढंग से आपको यहाँ पे ऑफर वगैरह सारा कुछ मिलता है और ये पूरे 24 महीने का समय मिलेगा। उसके बाद आप 2800 रुपये पर मंथ आप यहाँ पे EMI पेमेंट करेंगे, यानी कि 2853 रुपये, और आपका जो भी चार्ज वगैरह लगेगा वो सारा कुछ यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो गाइज अभी मैं इस लोन के लिए अप्लाई तो नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मतलब क्रेडिट कार्ड वगैरह है तो उससे मेरा काम हो जाता है। तो मैं अभी लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, अगर होता तो मैं आप लोग को दिखा देता, लेकिन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मुझे 55,000 रुपये का मिला हुआ है अमाउंट। तो आप भी ट्राई कीजिए, आपको भी यहाँ पे कोई ना कोई रैंडम सा अमाउंट ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपको 1,00,000 रुपये का भी लिमिट लोन का मिला होगा। तो आप लोग कुछ इसी ढंग से चेक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कीजिए या फिर कॉमेंट के माध्यम से आप कोई सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं कुछ ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।